Hello and welcome. This is Iqbal Advocate. We are here for delivering a legal lecture. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है cancellation of the registered document. Cancellation of the registered document यानी वो documents जो अंदर registration act के तहत registered हुए हुए हों सब registrar के पास, तो उसको हम कैसे cancel कर सकते हैं. उसमें देखें sale deed हो सकती है, उसमें lease हो सकती है, sub lease हो सकती है, surrender को document हो सकता है, relinquishment deed हो सकती है, gift deed हो सकती है. ये मुख्तलिफ किस्म के जो registered document है अंदर registration act के तहत जो document registered किए गए हैं किसी भी property के बारे में, अगर हम वो चाहते हैं कि इन डॉक्यूमेंट को हम कैंसिल कराएं तो उसको कैंसिल कराने का क्या तरीका कर रहा है. देखिए वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुए हो, किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो जो एक टाइटल क्रिएट करते हो, जो मलकियत जो है वो जाहिर करते हो, वो डॉक्यूमेंट किसी भी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हम कैंसिल कराने का क्या तरीके कार है. देखिए ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो जो इशूइंग अथॉरिटी है जिस महकमा ने इशू किए हैं, जिसने रजिस्टर्ड कराए हैं, तो वो महकमा भी इन डॉक्यूमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता. ना वो बंदा कैंसिल कर सकता है जिसने जिसके हक में ये कागजात हो, जिसके हक में ये टाइटल दिया गया हो, या जो इसका मालिक बना हो इन टाइटल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, तो वो आदमी भी इन डॉक्यूमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता. देखिए याद रखिए क्यों, चूंकि ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो चुके होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटी ना तो कैंसिल कर सकती है, ना जिसके हक में रजिस्टर हुए वो कैंसिल कर सकती है. इसको कैंसिल करने का अख्तियार जो है वो अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 सेक्शन 39 उसके तहत कोर्ट में केस फाइल होगा. सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है कि सिविल कोर्ट ऐसे डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर सकती है, मगर कैंसिल करने का उसका एक प्रोसीजर है, तो उसके लिए कोर्ट में केस फाइल होगा, कोर्ट प्रॉपर एक वे अडॉप्ट करेगी, एक पूरा प्रोसेस चलेगा, हियरिंग होगी, एविडेंस होगी, फिर उसके बाद कोर्ट अगर उसको मुनासिब समझती है तो कोर्ट फिर उन डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर सकती है. अदरवाइज जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुके हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं होते. हाँ, कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है, लेकिन वो भी एक प्रॉपर ला के तहत प्रॉपर हियरिंग के पास प्रॉपर केस फाइल होगा, उसमें हियरिंग होगी, एविडेंस चलेगी, उसके बाद कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर सकती है. लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखें, अगर इन डॉक्यूमेंट के बाद इससे पहले इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में उस किसी भी कोर्ट का एक पहले से डिसीजन मौजूद हो, कोई जजमेंट मौजूद हो जिसमें ये कहा गया हो कि ये डॉक्यूमेंट इंटैक्ट रहेंगे, अगर कोर्ट ने पहले इस पर कोई डिसीजन ये दे दिया हो कि ये डॉक्यूमेंट इंटैक्ट रहेंगे, तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट भी कैंसिल नहीं कर सकती. ऐसे डॉक्यूमेंट जो कोर्ट पहले जिस पर डिसीजन दे चुकी है कोई ये डॉक्यूमेंट इंटैक्ट रहेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट दोबारा कोर्ट भी कैंसिल नहीं कर सकती. उसके लिए हम आपको रूलिंग में दे रहे हैं, रूलिंग है 2003 YLR पेज है 1760. तो ऐसे डॉक्यूमेंट फिर कोर्ट भी कैंसिल नहीं कर सकते. अदरवाइज कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसको कैंसिल करने का अख्तियार, सोल अख्तियार, टोटल अख्तियार सिर्फ सिविल कोर्ट को है. सिविल कोर्ट में प्रॉपर केस फाइल होने के बाद वो डॉक्यूमेंट कैंसिल हो सकते हैं. ये तो हमारा आज का टॉपिक. इजाजत दीजिएगा, कल एक नए टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.